हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यू वीडियो में। आज ये वीडियो उन ब्लॉगर्स के लिए खास है जो ब्लॉगर यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने ब्लॉगर में पीपीटी या डॉक्यूमेंट वगैरह कैसे रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको ये जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है ये करना है। जैसे मैं उसको खोलता हूँ तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप कोई भी फाइल उठा लें। मैं अपने डिवाइस से उठाता हूँ, आप गूगल ड्राइव से या कोई टेम्पलेट वगैरह उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं अपने ही डिवाइस से यहाँ से नीचे जो तीन आइकन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से मैं अपने डिवाइस में जाता हूँ और यहाँ से मैं एक पीपीटी है जो चूज़ कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने पीपीटी अपलोड कर रहा हूँ। इसे ही आप कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह पीडीएफ फाइल भी कर सकते हैं। तो वेट कीजिएगा, जैसे ही ये हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं, तो आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा। ऐसा आपको स्क्रीन पे यहाँ से जैसे ये स्लाइड्स वगैरह सारी आ गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। जैसे आप जूम इन करेंगे ऊपर, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर एक कॉर्नर में फाइल दिखाई देगा ऑप्शन। इस फाइल को ओपन करना है। यहाँ से आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आप नीचे आपको दिखाई देगा पब्लिश टू वेव। यहाँ से हम एम्बेड कर लिया, तो कॉपी कर लिया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अपने ब्लॉगर को खोलना है। यहाँ से आप न्यू पोस्ट कर लें, जैसे ये लोडिंग होगी। और फिर आपको यहाँ से मैं कोई टाइटल दें, फॉर एग्जांपल मैं एक देता हूँ पीपीटी एम्बेड। तो यहाँ से आपको अगर कंपोज व्यू है तो यहाँ से आपको एचटीएमएल व्यू कर देना है। जैसे एचटीएमएल व्यू कर दें, यहाँ से आप कोई कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कंपोज व्यू में पहले कुछ लिख लेता हूँ, फिर आपको उसके नीचे एक रख के दिखाता हूँ। इसे क्या मैं दिखा कुछ लिखता हूँ। अगर आपको कोई भी बड़ा पोस्ट है तो उसके बीच में रखना है, तो इसलिए मैं आपको ये कुछ लिख के दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने ये पैराग्राफ लिखी, तो यहाँ से आपको एचटीएमएल व्यू में जाना है और यहाँ से जहाँ पर पैराग्राफ ख़त्म होती है तो यहाँ से आपको फ्रेम बॉर्डर लगा देना। जैसे आप फ्रेम ये यहाँ पर पेस्ट करेंगे और सेव कर देंगे। तो मैंने एक सेव किया आपके लिए और अपलोड कर दिया है। और यहाँ से आपको व्यू कर देना। जैसे आप व्यू करेंगे तो यहाँ से आप जैसे देख सकते हैं नीचे ये पीपीटी एम्बेड देख सकते हैं। इसकी जो लेंथ है वो बहुत, जो हाइट है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो हम इसकी हाइट को भी थोड़ा कम कर देंगे। तो वापस आपको इसके लिए क्या करना है, ब्लॉग में जाना आपने और यहाँ से हम HTML को एडिट करेंगे। जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हाइट आपको पहले तो हम विड्थ को 100% कर लेते हैं यहाँ से, और जो यहाँ पर जो आपको दिखाई देगा हाइट जो है वो हम 50 कर देते हैं, 500 कर देते हैं, 500 पिक्सल कर देते हैं। जैसा कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ से मैंने 500 पिक्सल कर दिया। ऐसा कर देना, फिर आपको सेव कर देना है और यहाँ से आपको फिर से अगेन रिफ्रेश कर देना है। और यहाँ पर आपको एक अच्छी सी लेंथ में दिखाई देगा। यहाँ से आप देख सकते हैं विड्थ वगैरह सब कुछ सही है। और अगर आप कम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ से आप बटन्स में भी आगे पीछे कर सकते हैं, स्क्रीन पर भी क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ से मैं आपको कुछ और करके दिखाता हूँ, जैसे कि लेज़र पॉइंट करेंगे तो आप यहाँ से आप इस किसी को पीपीटी पढ़ा भी सकते हैं ऑनलाइन रिकॉर्डिंग से। और वैसे आपको फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, आपको सारे ऑप्शन दिखाई दे। अगर फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, तो प्लीज़ सब्सक्राइब हमारा चैनल कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर आपको
कोई इशू है या कोई क्वेश्चन है ब्लॉगर से, एडसेंस से और किसी ब्लॉगिंग से रिलेटेड है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, खुदा हाफिज़।